वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 3 है रीढ़ की हड्डी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। चिल्ड्रन आपने भी अपने घर में देखा होगा कई बार आपके पापा दादाजी इस तरह की बात, अरे यार हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, अरे यार ये आजकल के बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, ये मोबाइल पे क्या पढ़ाई करते हैं, इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्कसंगत है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इस तरह का कंपैरिजन करना सही है या नहीं। तो चिल्ड्रन इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर आप आजकल के मॉडर्न क्लासरूम देखोगे तो मॉडर्न क्लासरूम कैसे होने लगे हैं भाई साहब, डिजिटल बोर्ड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, हर तरफ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। लेकिन वो बताएंगे जैसे मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि हम तो गांव के स्कूलों में पढ़ते थे, बैठने के लिए सीट भी नहीं थी, घर से ही हमको बोरी लेके जानी पड़ती थी। अब यार समय बदलेगा तो जो चीजें हैं वो भी तो बदलेंगी। तो अगर हम इस तरह से कंपेयर करें कि भाई हम तो इस तरह से पढ़े और तुम इस तरह से पढ़ रहे हो, तो ये जो कंपैरिजन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार की तुलना करना, तुलना करना मतलब कंपैरिजन करना, बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम और ज्यादा मॉडर्न, देखो चिल्ड्रन जैसे मैंने आपके मॉडर्न वर्ड आपके लिए लिखा आपको समझाने के लिए, आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप मॉडर्न की हिंदी लिखोगे आधुनिक, ठीक है, आप इंग्लिश मत लिख के आना, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम और ज्यादा मॉडर्न यानी आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारे खाने पीने से लेकर हमारे पहनावे तक में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। सो चिल्ड्रन हमने इस चैप्टर में देखा जो इस लड़की यानी कि उमा के जो फादर हैं रामस्वरूप जी, वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा यानी कि बीए पास करवाते हैं उस टाइम पे पुराने, लेकिन शादी के टाइम पे जो लड़के वाले आते हैं उनसे वो लड़की की जो हायर एजुकेशन है इस बात को छुपाते हैं। एक्चुअली पुराने टाइम में ये माना जाता था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो अच्छी बहू नहीं बनेगी, और अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो सास बहू की सेवा नहीं करेगी, उनकी बात नहीं मानेगी, तो ये इसलिए उन्होंने झूठ बोला। अब इस वाली बात से हमें ये पता चलता है कि यार वो कहीं ना कहीं थोड़े कायर हैं। आंसर देखो, भारतीय समाज में हर लड़की का पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह अच्छे से अच्छे घर में हो। भाई हर फादर ये चाहता या नहीं चाहता कि भाई मेरी लड़की की जो शादी हो अच्छे से अच्छे घर में हो। ये कहानी उस समय की है जब लोगों को अधिक पढ़ी लिखी बहू इसलिए नहीं लाना चाहते थे क्योंकि वह सास ससुर का हुक्म नहीं मानेगी। तो ये जो कहानी है बहुत पुरानी कहानी है, उस टाइम पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था और लोगों का ये मानना था अगर हम ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लेके आएंगे तो वो अपनी अपनी चलाएगी, हमारी सुनेगी नहीं। इसलिए रामस्वरूप बेटी का विवाह के समय उसकी हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, अब देखो यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश का वर्ड डाला है लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, विवाह के समय उसकी हायर एजुकेशन को छिपाने के लिए विवशन, मतलब उनकी मजबूरी है कि वो अपनी बेटी की हायर एजुकेशन को छुपा रहे, क्योंकि अगर वो उनको सामने वाले को बता देंगे कि ये बीए तक पढ़ी है, इसने हायर एजुकेशन ले रखी है, तो हो सकता है वो शादी के लिए मना कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। अब रामस्वरूप क्या करते हैं कि उनकी बेटी जो बीए पढ़ी लिखी है, ठीक है, उससे भी कहते हैं कि तू भी झूठ बोल दियो, तू भी उनको बताइयो मत, लड़के वाले आ रहे हैं, तू उनको बताइयो कि मैं तो बस 10th क्लास तक पढ़ी हूं। तो क्या ये ऐसा करना उचित है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। भाई जिस लड़की ने बीए कर रखा है वो सामने वाले को झूठ क्यों बोले? तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, रामस्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता तय करते वक्त लड़के वालों से झूठ बोल देते हैं। ठीक है भाई, लड़की का रिश्ता करते वक्त क्या झूठ बोल देते हैं कि उनकी लड़की क्लास 10th कक्षा 10वीं तक पढ़ी है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी ये झूठ बोले, इसलिए रामस्वरूप का यह व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं। भाई तुम तो खुद झूठ बोल ही रहे हो और अपनी बेटी से भी बुलवा रहे हो, तो क्या यह व्यवहार उचित है? भाई बिल्कुल गलत है ये तो। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को की उच्च शिक्षा छुपाते हैं,
क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, अपने विचार लिखे। अब गोपाल प्रसाद कौन है? गोपाल प्रसाद वो आदमी है जो अपने लड़के को लेके आता है लड़की देखने, यानी कि रामस्वरूप की बेटी उमा को। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक तरफ लड़के का फादर जो है वो ये मानता है कि जो शादी विवाह है ये तो भाई बिजनेस है, मतलब बस पैसे से मतलब है। उधर जो लड़की का फादर है वो भाई साहब लड़की की हायर एजुकेशन है उसको भी छुपा रहा है। तो क्या आपके हिसाब से दोनों अपराधी हैं? गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि वह एक बिजनेस नहीं दो परिवार का मेल है। क्योंकि जो विवाह होता है भाई, जो शादी होती है वो कोई बिजनेस का बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, ये दो परिवारों का मेल है। और रामस्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाना कायरता का प्रतीक है। भाई चाहे तो वो सीधे सीधे फेस टू फेस ये कह सकता है, हाँ भाई हमारी लड़की ने बीए करे, बताओ करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो शादी। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर इशारा कर रही है? अब शंकर कौन है? शंकर वो लड़का है जो लड़की देखने आया है, जिसकी शादी के लिए लड़की देखने है। तो शंकर की कौन कौन सी कमियों को बताती है उमा? शंकर हर काम के लिए अपने पिता पर निर्भर है, मतलब जो जैसे उसके पापा कहेंगे वही होगा। वो अपने पिता के इशारों पर चलने वाला व्यक्ति है, उससे जैसा कहा जाता है वो वैसा ही करता है। वो पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता है। तो यानी कि उसने तीन चार क्या कमियां बताई कि भैया इसका अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, इसका खुद की कोई स्टैंड नहीं है, जैसे इसके पापा कह दे बस ये वही काम करता रहता है। शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपना अपमान करा चुका है। तो वो जो लड़की है उमा वो उस वाली बात को भी बता देती है कि एक बार ये हॉस्टल में लड़कियों के पीछे लगा हुआ था और इसका काफी वहां पे अपमान हुआ है ना। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्कसहित बताइए। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर आपकी राय पूछी जाए तो समाज को शंकर जैसे लड़कियों की जरूरत है या उमा जैसी लड़की? तो आंसर देखो, समाज को जरूरत है उमा जैसी पढ़ी लिखी व निडर व्यक्तित्व की, है ना। समाज को किसकी जरूरत है? उमा जैसी पढ़ी लिखी और निडर लड़कियों की। क्योंकि जब तक उमा जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगी तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज एक लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं तीन तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू चिल्ड्रन। रीढ़ की हड्डी का शीर्षक सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है रीढ़ की हड्डी। तो वो पूछ रहा है ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है, ये बिल्कुल सही है, कारण बताओ। चिल्ड्रन इसको इमेज से समझो, हमारी ह्यूमन बॉडी में एक बीच में एक ये वाली ये दिख रही है, ये बीच वाली, इसको बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। और जो सारी हड्डियां हैं वो इसी हड्डी से मिली हुई हैं। इसका मतलब कि अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लड़का लड़की है जिनकी शादी हुई है वैवाहिक जीवन में, उसमें लड़का लड़के का रोल भी 50% है और लड़की का रोल भी 50% है। ना लड़की किसी से कम होती ना लड़का किसी से कम होता, तो समाज में लड़की को कम और लड़के को ज्यादा आंकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी वैवाहिक जीवन में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। इस पाठ के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि नर और नारी, नर का मतलब आदमी, नारी का मतलब औरत, दोनों ही बराबर होते हैं, कोई किसी से कम या कोई किसी से ज्यादा नहीं है। इसलिए पाठ का शीर्षक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो ये कह रहा है इस चैप्टर के बेस पे अगर आप देखें तो आपके हिसाब से जो मेन सबसे मेन करेक्टर है वो कौन है और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर मैं निस्संदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूं। भाई उमा ही तो है जिसने सबकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि वह सही को सही और गलत को गलत कहना जानती है। पिता के झूठ बोलने पर भी वह पिता का साथ नहीं देती और शंकर की पोल सबके सामने खोल देती है, है ना। उसके पापा ये चाहते थे कि तू झूठ बोल दियो, तू मत बताइयो लड़के वालों को कि मैं बी हूं, तो वो उनका साथ नहीं देती। दूसरा वो चाहती है कि जैस बस तू हाँ हाँ करती रही हो उनके सामने कोई भी, लेकिन वो शंकर की पोल भी सबके सामने खोल देती है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बतानी है आपको, दोनों आदमियों की, उमा के फादर की भी और शंकर के फादर की। तो सबसे पहले आप क्या करना, हेडिंग डाल देना रामस्वरूप। रामस्वरूप कौन है? उमा या लड़की के फादर है। एक तरफ वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन दिलाता है,
दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, विवाह के समय बेटी की शिक्षा के बारे में झूठ बोलता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वो अपनी बेटी को भी अपनी उच्च शिक्षा के बारे में झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है। नंबर फोर, उसकी कायरता पाठ में साफ साफ दिखाई देती है, मतलब ये समझ में आ जाता है कि भाई इस आदमी के अंदर जुनून नहीं है, ये कायर है, झुक रहा है उनके सामने अभी से। गोपाल प्रसाद कौन है, लड़के के फादर है, और लड़के का नाम क्या, शंकर। गोपाल प्रसाद एक छोटी सोच का व्यक्ति है, वो विवाह को एक बिजनेस मानता है। बताओ यार, शादी विवाह कोई बिजनेस होती है, व्यापार होती है? उसके हिसाब से अधिक पढ़ी लिखी लड़कियां परिवार के लिए सही नहीं है। तो बस इस तरह से हेडिंग बना के आप लिख दोगे। इस एकांकी, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, लिखिए। इस चैप्टर के एकांकी के निम्नलिखित उद्देश्य, नंबर वन, समाज की मानसिकता को उजागर करना, कि समाज की मानसिकता क्या है, कि पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होनी चाहिए, वो घर के लिए सही नहीं है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को उजागर करना, भाई लड़की के जो माता पिता हैं आज भी हमारे समाज में हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो सही हो या ना हो, बस लड़की की शादी हो जाए कैसे भी। विवाह को बिजनेस की तरह देखने वाले लोगों को, और कुछ भाई साहब इतने ऐसे भी गंदे लोग पड़े हुए हैं जो विवाह को, शादी को बिजनेस की तरह देखते हैं कि बस पैसा मिल जाए लड़की वालों से। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, हम निम्नलिखित दो प्रयास कर सकते हैं। क्या, लोगों में पढ़ी लिखी बहू के लाभों का प्रचार कर सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं कि भाई साहब देखो पढ़ी लिखी बहू आएगी तो कल को बच्चे होंगे उनको पढ़ा सकती है, उनके स्कूल में जा सकती है, हैं कोई छोटी मोटी जॉब भी कर सकती है, हर तरह से हेल्प करेगी। हम लोगों को क्या बता सकते हैं कि किसी भी वैवाहिक रिश्ते में लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे। इस कहानी का नायक नायिका आपके हिसाब से कौन है, यानी इस कहानी का अगर हीरो या हीरोइन चुनना हो तो वो कौन होगा, रामस्वरूप होगा, गोपाल प्रसाद होगा, उमा होगा, या इनमें से कोई नहीं? आप चाहो तो अपने आंसर में सीधे ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप चिल्ड्रन मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।